नमस्ते। ताजा खबरों के साथ बताते हैं कि पैरालिंपिक ओलंपिक में कल एक दिन में 5 मेडल जो 53 साल के इतिहास में अभी तक नहीं जीता गया था, यानी कुल अब तक 7 मेडल 4 गेम में भारत ने प्राप्त किया। बिहार में 38 जिलों में लगभग 31,800 तालाब व कुआं आहार पाइन एंड सभी स्रोतों को स्वयं लोगों ने के बिहार के लोगों ने कब्जा करके जो भयावह स्थिति पैदा कर दी, जिसकी जांच समीक्षा की जा रही है। पाया गया कि जिसमें 13,400 कुआं बिहार में लोगों ने खुद बंद कर दिया। जहां तक रोहतास की बात है, 340 कुओं को तो पाट दिया गया। किशनगंज, मुजफ्फरपुर, भागलपुर अन्य कई सभी लेक जिलों में यही स्थिति है, जहां जल स्रोत का बिल्कुल बंद कर दिया जाना यही कारण कि आज बाढ़ की स्थिति में भी इसका अच्छा खासा प्रभाव दिखाई पड़ता है, जिस पर अब सरकार चिंतित। सुप्रीम कोर्ट में मंडे और फ्राइडे को अब सीधा ऑनलाइन होगा और बाकी शेष दिनों में इसका फिजिकल कोर्ट चलने की आपको आदेश हो गया है। कोरोना के घातक डेल्टा जो वेरिएंट के साथ साथ नया वेरिएंट C-1.2 का पता चला, जो अभी साउथ अफ्रीका में पाया गया। सबकी निगाहें अब इस नए वायरस पर। फिरौती रॉकेट में मनी लॉन्ड्रिंग की अभिनेत्री जैकलिन से ईडी की 5 घंटे तक पूछताछ हुई। पहले हीरोइन यामी गौतम से भी पूछताछ की गई। हम बताते चलते हैं कि इस रॉकेट के जो मेन संचालन ये सुकेश चंद्रशेखर जी है। घूस के साथ साथ 18 लाख सहित गिरफ्तार इंजीनियर अनिल कुमार के पास से करोड़ों धनराशि को मिलना जो शुरू हो गया, यहां तक कि कल उन्होंने बयान दिया कि अगर मुंह खोल देंगे तो पटना तक विस्फोट हो जाएगा। उनका बयान इशारा करता है कि इनका पैसा अधिकारी नेता भी खाते थे। लोकल स्मार्ट न्यूज आपको संज्ञान लेने के लिए अपील करता है कि जिनके मुंह का बयान लिया जाए और संबंधित अधिकारी नेताओं पर सख्त कार्रवाई की जाए। सीएम नीतीश कुमार आज दरभंगा में कुशेश्वर स्थान में दिवंगत विधायक शशिभूषण हजारी के शोक संतप्त परिवार के पास संतावना देने जाएंगे। साथ साथ वहां जो बाढ़ पीड़ित लोगों से मिलेंगे। और बगहा में ये घरौली दरदरी गांव के पास 150 फीट का बांध कल अचानक टूटने से 400 घरों में पानी घुस गया। 218 से बंद पड़ा परमाणु रिएक्टर दोबारा उत्तर कोरिया के तानाशाह किंग जोन ने शुरू कर दिया। दुनिया भर में खलबली। यूएन ने बातचीत करने का सबसे रिक्वेस्ट किया है। 1993 में राजधानी एक्सप्रेस के आरोपित अमीर युद्दीन को अभी तक बिना आरोप तय किए 11 सालों से आपको जेल के भीतर है। जो अजमेर के इस विशेष कोर्ट के द्वारा जो लंबित पाया गया, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने काफी कल अप्रसन्नता व्यक्त किया। रिपोर्ट मांगा कि किस आधार पर 11 वर्षों से अब तक ये अपराधी जेल के भीतर है, न तो आरोप गठन हुआ, क्यों नहीं इसको सजा दी गई अब तक। एक रिपोर्ट की मांग की गई है। चलते चलते अभी तक बालू जो अवैध कांड का सोनपुर के दियारा क्षेत्र में धड़ल्ले से जारी है। हम उम्मीद करते हैं कि इस मैसेज पर बिहार सरकार आपका संज्ञान लेंगे। कल फिर मिलेंगे।